जब भी तुम लोग से पहले रिलेशन पूछेगा एग्जाम के अंदर में, तो तुम लोग सबको पहले एवरेज रेवेन्यू को, मार्जिनल रेवेन्यू को पहले सबको डिस्क्राइब करोगे, डायग्राम्स हुआ तो डायग्राम दोगे, और उसके बाद में यू विल शो रिलेशन. ओके, फॉलोइंग आर द रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू. इफ एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. मतलब यहां तक तुम लोग सोचो, अगर इतना ही एवरेज रेवेन्यू हो और इतना ही मार्जिनल रेवेन्यू हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ, सेम होगा. एवरेज रेवेन्यू जो हमारा निकलेगा वो सेम निकलेगा. ठीक है, इफ एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस देन मार्जिनल रेवेन्यू इज, यस मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, और इफ एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस देन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. ओके, तो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू शो करेंगे कि अगर एवरेज रेवेन्यू हमारा इतना हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा कितना होगा. अगर मार्जिनल रेवेन्यू, इफ सॉरी एवरेज रेवेन्यू नॉट मार्जिनल रेवेन्यू, इफ एवरेज रेवेन्यू हमारा सेम हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. वापस समझाऊं एक बार, सी इफ एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू इतना ही रहता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा इतना ही रहेगा. ठीक है, चेंज नहीं होगा. मीन्स ये जब नेगेटिव हो जाता है और ये डिक्रीमेंट साइड में चला जाता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू सेम रहा तो. ठीक है, अब क्लियर. नेक्स्ट है, इफ एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कम होता है तो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड इफ एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो increases. Now got it?